उस जवान फिल्म के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये बहुत बढ़िया तरह से कमाल कर रही है। जवान जो है दोस्तों, शाहरुख खान की इस फिल्म को कल नेशनल सिनेमा डे पर ऐसा 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 रिस्पॉन्स मिला जिसके बारे में क्या कहा जाए। ऑफकोर्स आज प्रेडिक्शन देना चाहूँगा इस फिल्म के 38th day का, लेकिन कल का जो हाल है वो भी बताना चाहूँगा आपको। ऑफिशियल कलेक्शंस वैसे मैंने कल तक का बता ही दिया था, 36 days तक का बताया था, जो 569.50 crore हुआ था, यानी कि ये फिल्म ने 5 हफ्ते के बाद 569.50 crore की कमाई की। और कल इसका कलेक्शन तकरीबन मैंने प्रेडिक्शन दिया 3 से 4 crore, और ये 4.5 crore तक बताया जा रहा है कल तक का कलेक्शन आया है हिंदी मार्केट का। और ऐसे में अगर 44.50 crore अगर हम पकड़े कल का कलेक्शन तो बहुत बढ़िया है, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके साथ ही फिल्म का टोटल जो बहुत कम हम उम्मीद कर रहे थे वो अब हो चुका है तकरीबन 574 crore, और आज ये फिल्म 575 crore के पार जाएगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है आपको नहीं भूलना है, वो भी वर्ल्ड कप का, तो पब्लिक किसकी ओर ज़्यादा रुख करेगी आपको पता है। स्टिल मैं टिकट बुकिंग भी देख रहा था, 1.2K लास्ट ओवर में टिकट बुक हुए हैं, और सेम इस फिल्म का भी वही हाल है जवान का और मिशन रानीगंज का भी। तो आज अगर 2 से 3 crore भी कमाई करती ये फिल्म तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। 2 से 3 crore का मैं प्रेडिक्शन है, बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ प्रेडिक्शन, बट मुझे ऐसा लगता है शायद फिल्म का उतना रिस्पांस आ सकता है, क्योंकि शनिवार का दिन है, उसका फ़ायदा फिल्म को मिल सकता है। 2 से 3 crore का प्रेडिक्शन है, और इस रेंज में अगर कलेक्शन होते तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 576 crore से लेकर 577 crore तक, 576 crore से लेकर 576 crore से लेकर 577 crore तक का कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से 580 crore आराम से फिल्म को जाती है, 595-590 crore तक जाने का इसका दम है, यानी कि मैंने जो 600 crore से 615 crore तक का लाइफ टाइम प्रेडिक्शन दिया था हिंदी वर्जन का, उसके ठीक आसपास जा रही फिल्म, इसलिए मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ। तो कुल मिला के मे बी सटीक से सटीक नहीं बैठा होगा मेरा परसेप्शन, लेकिन बहुत करीब भी अगर ख़त्म हुआ तो भी दिल से मैं खुश रहूँगा। और मैंने आपको करीबन 30 से 34 हफ्ते में मैंने बता दिया था कि इस तरह से ये चीज़ें जाने वाली है, और तब कई लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया कि सूर्या तो कुछ भी बोलता है। मैं यही कहता हूँ कि मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ, इमोशंस के, पब्लिक के इमोशंस के हिसाब से बात करता हूँ, सिर्फ लॉजिक नहीं लगाता हूँ, थोड़ा मैजिक भी लगाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक से नहीं चलती है, और सिनेमा हमारा वैसे भी लॉजिक से नहीं चलता है, मैजिक से चलता है दोस्त मेरे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार, क्या जाता है, अगले वीडियोज़ भी आपको इस चैनल से मिलते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए फिलहाल कितना, धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।